News 18, India. मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन किसान ये भी कह रहे हैं कि 11 बजे तक का समय हमने सरकार को दिया है, सरकार बातचीत करे वो उनके संदेश का इंतजार किसानों को यहाँ पर है। दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले यहाँ पर पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने किसान नेताओं से बातचीत की है। उसके बाद यहाँ पर जो किसान नेता है उन्होंने आपस में बातचीत की है, तो बातचीत का सिलसिला जारी है। बातचीत पहले भी हो रही थी, लेकिन अब किसान ये कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव सरकार ने हमें दिया था वो प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है, सरकार सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी का वादा करे तो हम इस आंदोलन को यही खत्म कर देंगे। दूसरी ओर ये कहा गया है कि कल अर्जुन मुंडा जी का जो बयान आया था देश के कृषि मंत्री का, उस पर हमने सवाल पूछा किसान नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि उनका बयान बहुत अच्छा है, वो शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत अपना प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, हम भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है और उसको लेकर किसान यहाँ पर अड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से खासतौर से जो युवा है उनसे अपील की गई है कि उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की हिंसा में शामिल नहीं होना है, और लीडर्स ने यह भी कहा है कि पहले आगे जो किसान नेता हैं, जो आपके जत्थेदार हैं, वो आगे चलेंगे, आपको पीछे रहना है। युवाओं को कसमें खिलाई गई है कि आप पहले हिंसा नहीं करेंगे, बकायदा शपथ यहां पर दिलाई गई है अपने संबोधन में, जो दोनों ही किसान नेता हैं डलेवाल और पंडे, उन दोनों ने युवाओं को कसमें खिलवाई है कि आप कोई हिंसा नहीं करेंगे, आपके लीडर आगे चलेंगे, आप पीछे चलेंगे, लेकिन यहां पर सारे इंतजाम हैं, पुलिस की जो कीले हैं उनको किस तरीके से उखाड़ा जाए उसके इंतजाम हैं, पुल जो टूटा हुआ है जिस पुल पर पुलिस का कब्जा है, पुलिस का एक तरीके से किले के रूप में पुल को जो तब्दील कर दिया है, उस पुल को कैसे पार करना है, वो सारे इंतजाम यहाँ पर हैं। बड़ी बड़ी पोकलिन और जेसीबी मशीन यहाँ पर हैं, और मशीनों को लेकर खास तौर से आपके जो डीजीपी है पंजाब पुलिस के, उन्होंने साफ ये कह दिया है कि उन मशीनों को यहाँ पर ना लाया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि ये मशीनें सब सड़कों पर क्या कर रही हैं। तो सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन किसानों से जब हम सवाल पूछते हैं तो किसानों ने साफ कह दिया है कि सरकार ने जो वादा किया था सरकार उस वादे से मुकर गई है और ये कोई मांग नहीं है। सरकार किसान कह रहे हैं कि ये तो वादा था और सरकार ने वादा पूरा नहीं किया। किसान नेताओं से जब हम ये सवाल पूछते हैं कि सड़कें जाम हो गई है, बॉर्डर जाम है, तो किसान नेता ये कहते हैं कि बॉर्डर जाम तो हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार ने किया है, वो कह रहे हैं कि हमको दिल्ली जाना है। हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि आप ट्रैक्टर को सड़कों पर इस तरीके से मत लगाइए, इससे मोटर व्हीकल एक्ट के जो कानून है उसका उल्लंघन होता है, लेकिन किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, या तो हमारी मांग मान ली जाए या फिर हमें शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने दिए जाए। तो इसको लेकर अब यहाँ पर गतिरोध लगातार बना हुआ है, किसान नेता इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई संदेश मिले, और जैसा कि खबर आ भी रही है कि अधिकारियों के स्तर पर बातचीत केंद्र सरकार की चल रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कम्युनिकेट करने की कोशिश सरकार किसानों से करे और एक बार फिर से बातचीत का रास्ता खोले। पांचवी बैठक हो सकती है शाम को आज चंडीगढ़ में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको ताजा अपडेट दे देता हूँ। हरियाणा पुलिस की तरफ से एक बार जोरदार आंसू गैस यहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया गया है, ये ताजा अपडेट है यहाँ से, और सीधा तस्वीर आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। बैठक अगर हो तो सब यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई समाधान निकले, लेकिन बैठक शाम को होनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आंसू गैस छोड़ी गई है, क्योंकि किसान लगातार आगे बढ़ने पर आमादा है, उनको दिल्ली कूच करना है, इसलिए यहाँ पर अब हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस कुछ छोड़ा गया है, थोड़ा विराम दिया गया है, और अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसान थोड़ा सा भागने यहाँ पर भागते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस बैठक की हम बात कर रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से जानकारी जरूर आई है, और क्योंकि 11 बजे के आसपास दिल्ली कूच शुरू होना था, अगर बैठक होती है तो शायद शांतिपूर्ण तरीके से कोई समाधान निकले, जैसा कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्री कह रहे हैं, जैसा कि किसान नेता भी खुद कह रहे हैं। आज देखिए शायद किसान सरकार की बात सुन रहे हैं, शायद इसीलिए अब तक चार दौर की बैठकें हो चुकी हैं, और हमने देखा कि जब तीसरी और चौथी बैठक हुई थी तो उस दौरान किसानों की तरफ से भी और हरियाणा पुलिस की तरफ से भी जितने भी जो प्रशासन के लोग हैं उन सभी लोगों की तरफ से संयम काफी बरता गया था, और चौथी बैठक जब हुई तो उसमें सरकार ने बकायदा प्रस्ताव किसानों को दिया, किसान उस प्रस्ताव से खुश नहीं हुए, तो सरकार से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत के लिए किसानों ने 21 फरवरी सुबह 11 बजे तक का समय मुकर्रर किया था, और अब वो समय आ चुका है। किसान अभी भी ये कह रहे हैं कि सरकार हमसे बातचीत करती है तो हम बातचीत करने जाएंगे, हम अपने प्रोटेस्ट को यहीं पर स्टैंड बाय करेंगे, यहीं पर रोकेंगे, और जब तक बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि एक डेडलाइन थी सुबह 11 बजे की 21 तारीख की, वो डेडलाइन अब पूरी हो गई है, तो अब किसान शायद दिल्ली कूच करें, लेकिन अगर इसी बीच अगर बैठक की खबर आती है तो ये आंदोलन आज यहीं पर एक तरीके से स्टैंड बाय मोड में भी जा सकता है, जैसा कि हमने देखा कि बीते 7 दिन में किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें सामने आई थी। जब किसानों से बातचीत करते हैं, हमने कई बहुत सारे किसानों से उनका मूड समझने की कोशिश की, तो किसान ये कहते हैं कि जो 11-12 हमारी मांग है, जो हमने अपने कागज तैयार किया है, वो हमारी मांग नहीं है, उसमें ज्यादातर वो चीजें हैं जिस पर केंद्र सरकार 2 साल पहले राजी हो गई थी, सरकार ने वादा किया था,
और इससे पहले एमएसपी पर तो सरकार ने माफ कीजिएगा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वो चीज एक तरीके से लिख के दी थी। तो जो सरकार ने वादा किया है अपने वादे से सरकार मुकर रही है, ये आरोप किसान सरकार पर लगाते हैं। और सरकार ने कहा कि 5 फसलों पर एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हमें सभी फसलों पर गारंटी चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 1,35,000 करोड़ रुपए का खर्च 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी देने पर आएगा। तो किसान कह रहे हैं कि इतने खर्च में तो आप सभी फसलों पर गारंटी दे सकते हैं। किसानों ने ये कहा कि 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे, और उसी दौरान हमने यहाँ पर देखा कि किसानों ने आगे बढ़ने की जब कोशिश की तो उसके बाद हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए। किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया है कि हम आगे कूच नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा बाकी जो वॉलंटियर्स है वो आगे कूच नहीं करेंगे, किसान लीडर्स ही आगे कूच करेंगे। और इसी बीच खबर ये आई है कि चंडीगढ़ में आज देर शाम किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों की दोबारा 5वीं बैठक आज शाम को हो सकती है, ये जानकारी अभी मिल रही है। हालांकि किसान नेताओं को इस पर यह कहना है कि अभी ऑफिशियली हमें इनविटेशन नहीं आया है, ये खबर मीडिया के थ्रू ही उनको उनके पास तक पहुंची है। तो अगर बातचीत होती है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो तस्वीरें हम यहां पर देख रहे हैं वो इंतजाम चाहे हरियाणा पुलिस के हों चाहे किसानों के हों, वो तस्वीरें किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। बीते 9 दिन में सबसे ज्यादा भीड़ में आज यहां पर देख पा रहा हूं, और ये वो हिस्सा है जहां पर हरियाणा पंजाब की सीमाएं आपस में टकराती हैं, शंभू टोल प्लाजा जिसे कहते हैं, शंभू बॉर्डर जिसे कहते हैं, जहां से घग्गर नदी गुजरती है। सामने की तरफ आप देखेंगे तो कहीं दूर जाकर आपको हरियाणा पुलिस की एक झलक दिखाई देती है, और हरियाणा पुलिस ने पूरे एक किले के तौर पर उस दो पुल जो घग्गर नदी के ऊपर बने हुए हैं उसको किले के रूप में तब्दील कर दिया है। दूर दूर तक सिर्फ किसान ही किसान दिखाई दे रहे हैं। करीब 6 से 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक्टर ट्रालियों का काफिला है, और उस काफिले में जो ट्रॉलियां हैं वो यहां पर 7 दिन से यहां पर लगी हुई थी, लेकिन आज सुबह उनको संदेश दिया गया कि आप ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पैक कर लीजिए क्योंकि अब दिल्ली कूच करने का समय आ गया है। हालांकि एक बड़ी बात यह भी है कि किसान नेता जब सुबह यहां पर युवाओं को खासतौर से संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे। बाकायदा किसानों को यहां पर कसमें दिलवाई गई हैं, उन्हें शपथ दिलवाई गई है कि हम नहीं चाहते कि हम जब अपनी जिम्मेदारी पर आपको अपने घर से लेकर आए हैं तो किसी भी घर का कोई चिराग बुझे, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये भी कहा गया कि हम नहीं चाहते कोई हिंसा यहां पर हो, तो शपथ दिलाई गई, कसमें खिलाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर किसानों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो उधर से रिटेलिएट किया हरियाणा पुलिस ने। और उधर से हम आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने कई किलोमीटर लंबा बैरिकेडिंग की यहां पर की हुई है, लंबी बैरिकेडिंग की हुई है, बड़ी बड़ी एक तरीके से कीलें सड़क पर गाड़ी हुई है, और बहुत मुश्किल है किसानों का यहां से आगे बढ़ पाना। तो ऐसे में संभवत मुझे लगता है कि किसान भी बातचीत का रास्ता ही अपनाना चाहेंगे, वो बातचीत जो 5वें दौर की आज शाम को चंडीगढ़ में हो सकती है।